एक तरफ जहां देश की केंद्र सरकार गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बह रही है, खुले में शौच ना करने के लिए शौचालय भी बनवाए जा रहे हैं, जहां सरकार हर गांव को ODF फ्री कर रही है, वहीं इसके उल्ट गांव में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के विकास अब भी कोसों दूर है और लोग गंदगी में जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। लेकिन ब्लॉक के अधिकारी हो या ग्राम विकास अधिकारी या प्रधान, सभी अपने टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करने में लगे हैं। चाहे किसी भी हाल में हर गांव में शौचालय तैयार हो जाए, लेकिन शौचालय बनाने के बाद उससे निकलने वाला गंदा पानी कहां जाए ये तय नहीं किया गया। लिहाजा गांव में नाले की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण शौचालय से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर ही जा रहा है और ग्रामीण उसी गंदगी में गुजर बसर करने को मजबूर है। नाली में पानी रुकल बा, हम लोगों के सोने बैठने बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत गंदी दे रही है, उसको बनवाना चाहिए। आपको जो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो मऊ जिले के कोटिया टोला की है, जहां इस गांव में रहने वाले लोग विकास से कोसों दूर है और गंदगी में जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। आलम यह है कि इस गांव में गंदे पानी से निकलने के लिए नाला तक नहीं बन पाया, जिससे गांव का गंदा पानी सड़क पर ही पड़ा रहता है। इस गंदे पानी से लोग गुजरने को मजबूर है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पानी रुकले से मन के परेशानी बा, बदबू करत बा, दुआरी पर पानी जाम भइल ह, कोई बार कहा चुकल बा नहीं। वही दोहरीगाठ ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी देव चतुर्वेदी गांव में जाकर हर हाल का जायजा लेने के बजाय मीडिया के माध्यम से ही कोटिया ग्राम में नाला निर्माण नहीं होने की समस्या से अवगत हो रहे हैं और जल्द से जल्द नाले का निर्माण कराने की बात कह रहे हैं। मामला संज्ञान में आ गया है, वहाँ की ग्राम पंचायत सचिव से बात हुई हमारी, उन्होंने आख्या भी दिया है कि इस काम को जल्द से जल्द करा दिया जाए। काफ़ी दिनों से लटका पड़ा है और हो नहीं पा रहा है, वो जल्द से जल्द करा दिया उन्होंने बात की। बहरहाल जब गांव का ये हाल है तो सरकारें क्यों गांव में बेहतर विकास कराने का दावा करती हैं?